कविता आप तक कड़ी में आज मेरी एक कविता नहीं दिया हक। मित्रों, इसे आप मेरे तीसरे काव्य संग्रह पोले झुनझुने में पढ़ सकते हैं। नहीं दिया हक। मैंने किसी को नहीं दिया हक कि कोई प्रमाण पत्र दे मुझे मेरी योग्यता या अयोग्यता का, मेरे देश प्रेम या देश द्रोह का, मेरे सफल या असफल होने का, मेरे चरित्रवान या कि मेरे चरित्रहीन होने का, मेरे आस्तिक या कि नास्तिक होने का, कि मेरे विचार किसी संगठन के झंडे का मोहताज नहीं, कि मेरी जीवन शैली स्वयं मेरा चुनाव है, कि मेरी आस्था अनास्था से किसी धर्म के पैरों किसी धर्म के पैराकारों को कोई लेना देना नहीं है। नागरिक व्यवस्था में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाता मैं परिचित हूं भली भांति, अपने अधिकारों से और उससे भी पहले अपने कर्तव्यों से। यह देश जितना इसके हुक्मरानों का है उससे तनिक भी कम मेरा नहीं है, शायद उनसे कहीं अधिक मेरा है, क्योंकि मैं हर तरह से पिसकर भी यहां पड़ा हुआ स्वेच्छा से और साधिकार। अपनी तमाम उम्मीदों पर तुषारापात होने के बावजूद कहीं कोई एक हरी जिद्दी दूब आशा और उमंग की निकल पड़ती है हर बार इस बंजर में। अपने तमाम असंतोषों के रहते हुए भी कम से कम इतना संतोष तो है कि व्यक्त कर लेता हूं अपना असंतोष कभी कभार, कुछ एक शब्दों तो कुछ एक नारों की शक्ल में। इस देश के स्वर्ण कलश को चाहे अपने पैरों ठुकराता हूं, मगर इस देश की धूल मिट्टी को अपने मस्तक से लगाता हूं। मैं एक साधारण नागरिक मात्र हूं, इसलिए हर 5 साल में किसी ऐरे गैरे को यह हक नहीं मिल जाता कि वह मेरे लिए चाहे जो मर्जी फरमान जारी कर दे। सत्ता बदलती है, सत्ता में बैठे लोग भी, और बदलता है सत्ता का चरित्र भी। जानता हूं यह सब, इसलिए परवाह नहीं करता ऐसे दरबारों की, शामिल नहीं होता किसी गुट में। अपनी फटेहाली से मुझे प्यार है और गर्वित हूं अपनी गुर्बत पर। नहीं चाहिए मुझे हराम का एक भी पैसा, इसलिए फटकार सकता हूं किसी हानि लाभ की किसी अभिप्सा से होकर मुक्त पूरी तरह। मैंने किसी को नहीं दिया हक कि कोई बोली लगाए मेरे लिखे की, मेरी कलाकृतियों की, कि इन्हें कोई ऊंचा दाम देकर मुझे खरीद ले सस्ते में। मैंने किसी को नहीं दिया हक कि कोई मुझे उपकृत करे धन धान्य से, मान सम्मान से। मुझे स्वीकार है अलग थलग रहना, मगर मैं अस्वीकारता हूं बाजार के बढ़ते डैनों को, मगर मैं अस्वीकारता हूं बाजार के
बढ़ते डैनों को, पसरते बाजारूपन को हमारे संबंधों के बीच। मैं बेशक मिसफिट रहूं व्यवस्था में, मगर मैं मिसलीड नहीं करना चाहता खुद को व्यवहारिकता के चपल तर्कों से। मैंने किसी को नहीं दिया हक कि कोई मुझे प्रमाण पत्र जारी करे धौंस में या अपनी हेकड़ी में, कि कोई अपने रंगीन चश्मे से घूरे मुझे कुछ देर और अंधेरे बंद अकादमियों से निकलने वाला कोई रंगीन प्रशस्ति पत्र थमा दे मुझे कभी अचंभित करती हड़बड़ी में, तो कभी असाधारण रूप से हुई देरी में। मैं नहीं चाहता अपने लिए ऐसा कोई आश्रम या विचार मठ जहां झुकते हुए चले आए लोग मेरे पास और गाएं मेरी बिरुदावली दूर से। मुझे नहीं है शौक कि कोई आकर मेरी चरण वंदना करे, मेरी ठाकुर सुहाती करे। मुझे नहीं है तनिक भी महत्वाकांक्षा किसी को कोई प्रमाण पत्र देने का। सुनो मठाधीशो, विहार के आचार्यो, अकादमी के अध्यक्षो, मैं नकारता हूं गला फाड़ कर तुम्हारे अब तक दिए गए सभी प्रमाण पत्रों को, तुम्हारे कथित आशीर्वचनों को, तुम्हारी निरर्थक और फरेबी महानता को, कि वे झूठे मनगढ़ंत और यादृच्छिक हैं, कि तुम्हारी प्रशंसा किसी अंधे द्वारा अंधों को बांटी गई रेवड़ियां हैं, कि तुम्हारा फरमान किसी अंधेर नगरी के चौपट राजा का फरमान है, जहां फंदे के नाप से फिट आए गले को फांसी दे दी जाती है या फूलों की माला पहना दी जाती है। जरा सुन लो ध्यान से, मैंने किसी को नहीं दिया हक कि कोई मेरे गले की नाप ले, कि कोई मेरे गले